है कि इनमें जोश है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मैचेस और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद से हमें शायद मोमेंटम मिल गया है। हमारी बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी कर रही है, तो होपफुली आने वाले मैचों में हम लोग ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। अब इनसे उम्मीद और बढ़ती जाएंगी। वीरू, यही टीम नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में कुछ कर दिखा नहीं पाई है और बहुत सारे प्लेयर्स हमारे आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। हमारे एक इन फॉर्म प्लेयर थे जिन्होंने आज परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स ने अपना हाथ उठाया और दिखाया अपना कमाल। ऑफ कोर्स सबसे पहले विराट कोहली की बात करते हैं। जी हाँ, मैं जैसे पहले भी कहा है कि हर प्लेयर का ख़राब टाइम आता है, लेकिन उसके बाद अच्छा टाइम आता है, और उस अच्छे टाइम को आप कैसे यूज़ करते हैं ये उस प्लेयर पर निर्भर करता है। तो आई थिंक आज शिखर धवन ने काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया उस टाइम को, काफ़ी आराम से खेला, काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की, काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की विराट कोहली के साथ, और जब वो रन आउट हुए उसके बाद विराट कोहली ने टेक ओवर किया, फिर रायना और विराट कोहली की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, और शिखर धवन और विराट कोहली की पार्टनरशिप की बदौलत फ्रीडम मिला सुरेश रैना को, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की उस प्रकार की बल्लेबाजी करने का, क्योंकि विकेट हाथ में थे, ओवर कम थे, और उन्हें कप्तान ने अब ऊपर भी भेजा था राणे से कि आप जाइए और जल्दी रन बनाइए, और उन्होंने वैसा ही किया। तो इन तीनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, शिखर धवन, विराट कोहली और सुरेश रैना। विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वीरू, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया ये जो गेम है, हर बार पाकिस्तान की टीम को होता क्या है, प्रेशर उनके लिए कुछ ज़्यादा हो जाता है? हाउ इज़ इट कि हर बार वर्ल्ड कप सिचुएशन में पाकिस्तान टीम कैन सॉर्ट ऑफ नेवर मेक इट टू द फिनिश लाइन? अरे मंदिरा, अगर ये सवाल अगर पाकिस्तानी प्लेयर से पूछा जाए तो वो बेहतर जवाब दे सकता है, लेकिन मैं तो हमेशा इंडिया खेलने में रहा हूँ, इंडियन टीम की तरफ रहा हूँ, तो हमेशा प्रेशर झेलने में कामयाब रहा हूँ, और पिछले 5 साल से तीन वर्ल्ड कप में तो मैं भी हिस्सा रहा हूँ इंडियन टीम का, और तीनों हम लोग जो जीते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इन्हें पाकिस्तान टीम को क्या हो जाता है इंडिया के ख़िलाफ़ जब वो वर्ल्ड कप में खेलते हैं, कहीं और वेन्यू पर खेलेंगे शायद वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जैसा उन्होंने आज किया, और जितनी तारीफ हम इंडियन टीम की करें उतनी कम है कि सभी डिपार्टमेंट में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छे कैचे पकड़े, काफ़ी अच्छे चौके भी रोके हम लोगों ने, डाई मार के जिसमें, और उसके बाद जितनी तारीफ की जाए हमारे गेंदबाजी की उतनी कम, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की जिसके बदौलत हम लोग 70 से ज़्यादा रन से मैच जीते। ये इतना बड़ा ओकेजन है, दोनों टीम में बहुत यंग प्लेयर्स भी हैं, एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है, मैं चेतन सर और यशपाल सर से पूछना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस की कमी होने के बावजूद भी हमारे प्लेयर्स भी वी केम टू द पार्टी। देखिए, अनुभव की कमी ज़रूर होती है किसी न किसी टीम में, अगर आप कुल मिलाकर देखें तो वो जज्बा देखिए, आप वो जुनून देखिए इस टीम के अंदर, और जिस तरह से ये क्रिकेट खेली गई है खास करके पाकिस्तान के खिलाफ आगाज़ बेहतरीन हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए श्रृंखला हो रही थी, जूझ रहे थे एक मैच जीतने के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छे से महान खिलाड़ी बनने में, और आप मौके पर जब अच्छा करते हैं तो फिर सिकंदर बनते हैं, और आज जो काम किया है भारतीय टीम ने, इसको कहते हैं कि बड़ा मैच जीतना, और वो जीता है भारत ने। देखिए एक बात जो बद्रा अभी हम लोगों ने नहीं किए, वो ये हम ये ना भूलें कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं कि नहीं, और आज वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेले कि नहीं खेले, तो वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? बहुत सारे इंडियंस के लिए हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं ऑलरेडी चेतन सर, क्योंकि ये मैच हम जीत गए। बिल्कुल, मैंने जैसे हम हर समय बोलते आए हैं कि बचपन से अभी तक जब भी आपका इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आपका यही है कि आप जिससे मर्जी जो मर्जी करें हमें उसकी परवाह नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच में आप पाकिस्तान से नहीं हार सकते। भारतीय टीम बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पब्लिक 120 करोड़ दुआएं जो हमारे साथ हैं, ये पब्लिक की वजह से है जो भारतीय टीम इतना अच्छा प्रदर्शन करती है। वीरू, अब आप बताएं, हम यहां तक आ गए, ये हमारा पहला पड़ाव है, अब आप मानेंगे कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस ये कप भी जीत पाएंगे? जी, हम डिफेंडिंग चैंपियन तो हमेशा रहेंगे, जब तक फाइनल नहीं होता तब तक तो हम डिफेंडिंग चैंपियन रहेंगे, और जैसा मैंने कहा कि सेमीफाइनल तक तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़रूर पहुंचेंगे। उस दिन सेमीफाइनल में किससे मुकाबला होगा और हम लोग कैसा खेलेंगे
उस दिन पर निर्भर करता है, वो भारतीय टीम के लिए कैसा दिन होगा। अच्छा दिन होगा तो हम ज़रूर अच्छा खेलेंगे, फाइनल में जाएंगे, शायद दूसरी टीम का भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें काफ़ी और मैचेस खेलने हैं। इस ग्रुप में अगर हम नंबर एक दो रहते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, ताकि दूसरी ग्रुप की तीसरी और चौथी टीम से हमारा मैच पड़े और क्वार्टर फाइनल हम लोग उनसे खेलें और शायद वो जीते। लेकिन कुल मिलाकर जैसा कि अभी चेतन शर्मा जी ने कहा कि पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो हमारे जो 120 करोड़ लोग पूरी इंडियन टीम को दुआएं देते हैं, उनकी दुआएं कहीं ना कहीं लगती हैं और उनका ये जुनून जब देखने को मिलता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे वो किसी भी कोने में हो, हर जगह तिरंगा लहराया जाता है, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नज़र आता है, तो वो देखकर हमें जोश बहुत भर जाता है, इंडियन टीम में जोश बहुत भर जाता है और उसी का नतीजा होता है कि हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज अप होते हैं इंडिया पाकिस्तान गेम में और हमेशा अच्छा खेलते हैं वर्ल्ड कप में। मंदिरा, मुझे एक सवाल पूछना है वीरू से। देखिए, ये कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और आप भी ये मानते हैं, और साथ ही साथ जो कमाल किया है दिल्ली के खिलाड़ियों ने, शिखर और विराट कोहली ने, आप भी मानेंगे कि दिल्ली का दिल नहीं जीता है, पूरे देश का दिल जीत लिया है दोनों खिलाड़ियों ने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो दोनों दिल्ली के नहीं देश के चाहते हैं और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी शिखर के बारे में, आज उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखा, फिर भी वो रन बॉल बना रहे थे, फिर भी वो हर बॉल पर रन बना रहे थे। उनका जो स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 95 का था, जो कि किसी भी मैच के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप और प्लेयरों के स्ट्राइक रेट देखिए तो स्टार्टिंग में शायद उनका स्ट्राइक रेट 60 का था, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो रन बनाते गए तो स्ट्राइक रेट 80-90 का हो गया। लेकिन शिखर ने जो बैटिंग की जो शुरुआत दी है, आई थिंक वो काबिल तारीफ है और मुझे लगता है कि आज से शिखर का अच्छा दिन, अच्छा टाइम शुरू हो गया है। अगर वो इस टाइम को यूज़ करेंगे तो वो वर्ल्ड कप में और बेहतर रन बना सकते हैं। वीरो, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि वो कौन कौन से पाकिस्तानी बॉलर्स हैं जिनकी पिटाई करने में आपको बड़ा मजा आता, आपने शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी का नाम लिया था, तो उनमें से एक तो आज ग्राउंड में थे, आप मिस कर रहे थे कि आप होते तो उनकी कैसे छक्के छुड़ाते? नहीं, वो तो नहीं मिस कर रहे थे, लेकिन हाँ ये जरूर था कि सब लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे इंडियन टीम से कि वो अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन करे, भारत को मैच जिताए, और ऐसा ही हुआ कि मैं नहीं था लेकिन फिर भी हमारी टीम अच्छा खेली, मैच जीती। ये मैटर नहीं करता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, कल को शायद इनमें से भी अगले वर्ल्ड कप में कुछ प्लेयर रिटायर हो जाएंगे या कुछ नहीं खेल पाएंगे किसी कारणवश, लेकिन फिर भी हम लोग यही उम्मीदें लगाए बैठेंगे कि अगले वर्ल्ड कप में हम फिर पाकिस्तान से खेलेंगे, फिर अच्छा प्रदर्शन करे भारतीय टीम और रिकॉर्ड कायम रखे। तो ये मैटर नहीं करता कौन खेलता है कौन नहीं, मैटर ही करता है कि हिंदुस्तान मैच जीतता है या नहीं। इस बात के लिए वाकई वीरू के लिए तालियां बनती हैं इस बात पर कि इनके जैसा टीम मैन बहुत मुश्किल से किसी भी टीम को नसीब होता है। लेकिन ये देखिए, ये इंडिया इंडिया के नारे वंदना रुकने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकने वाले। मैं भी कहना चाहती हूँ इंडिया 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 इंडिया। और ये छठी जीत है, 6 में से 6। बिल्कुल वीरू, कल हम बात कर रहे थे इसी के बारे में, छठी बार ये 6th विक्ट्री है इंडिया का अगेंस्ट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप, 6 out of 6। इस रिकॉर्ड को एक बार फिर मतलब इसे कायम रखने के बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक मैं तो पहले से ही पूरे विश्वास के साथ कह रहा था कि हम लोग वर्ल्ड कप में ज़रूर जीतेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि इंडिया बेहतर प्रेशर हैंडल करता है पाकिस्तान से, और आज भी हमने दिखाया कि हम लोग बेहतर प्रेशर हैंडल कर पाए पाकिस्तान से, इसलिए हम लोग ये मैच उनसे बड़ी आसानी से जीत गए। जिस तरीके से आज खेले उसी तरीके से आगे खेलना होगा हमारी इंडियन टीम को। और वीरू, 300 रन किसी भारत पाकिस्तान के मैच में वर्ल्ड कप में 300 रन नहीं हुए, चेज करना तो छोड़िए, तो आज 300 रन भी बने और इसको बखूबी डिफेंड किया, बड़े मार्जिन से हराया, ये एक बात तो बताता है कि ये जो नई टीम इंडिया है ये प्रेशर में तो कम से कम नहीं आती। जी बिल्कुल, और आप देखिए ये आज शायद अभी तक के 4 मैचेस हो चुके हैं, हर एक मैच में 300 रन का आंकड़ा पार हुआ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो, चाहे न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच हो, इवन आज साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच हो।
तो जो पहले टीम ने बल्लेबाजी की है उसने 300 से ज़्यादा रन बनाए। इसका मतलब है कि आईसीसी ने ये ध्यान रखा है कि विकेट बहुत अच्छी मिले, बैट्समैन के फेवर की विकेटें मिले ताकि पब्लिक को मैच देखने में मज़ा आए। तो पूरी तारीफ करनी होगी आईसीसी की भी जिस तरीके से उन्होंने देखा। एडिलेड में जो ऐतिहासिक जीत हुई थी इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें एक पूरा टीम एफर्ट था। इनफैक्ट 6 इंडियन हीरो थे जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, और इन 6 इंडियन हीरोज़ के बारे में हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप यहीं पे देखिए, क्योंकि अगर यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। इंडिया टीवी के स्टेडियम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एडिलेड ओवल स्टेडियम में इंडिया की एक बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस जीत का हम यहाँ जश्न मना रहे हैं, है ना? वैसे इस जीत में बहुत सारे प्लेयर्स का योगदान था। इनफैक्ट 6 हमारे चैंपियन प्लेयर्स थे, 6 स्टार्स थे, लेकिन सबसे बड़ा स्टार कौन? विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली की बातें करेंगे। पहले उन्होंने एक सेंचुरी मारी, और उस सेंचुरी के बारे में सबसे पहले 107 रन्स ऑफ 121 बॉल्स वाज इट, हम बात करेंगे वीरेंद्र सहवाग से। वीरू, इस सेंचुरी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये फर्स्ट सेंचुरी है बाय एन इंडियन इन अ गेम, इंडिया वी पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। क्या कहेंगे इस सेंचुरी के बारे में आप? जी हाँ, बेहतरीन शतक बनाया आज विराट कोहली ने, और वो पिछले कुछ 4 या 5 प्रैक्टिस मैचेस में और 4 वनडे मैचेस में जो ऑस्ट्रेलिया में खेले गए उनमें उन्होंने रन नहीं बनाए थे। सब लोग बातें कर रहे थे कि वो कैसे खेलेंगे इस वर्ल्ड कप में, अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि वो बड़े मैच प्लेयर हैं, और जब भी बड़ा मैच आता है वो रन बनाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने जब वो क्रीज पर आए रोहित शर्मा के आउट होने पर टाइम लेकर बल्लेबाजी की, और जैसे वो खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आज वो बड़ा स्कोर बनाएंगे। और उनकी एक खासियत है जिस तरीके से वो 50-60 रन क्रॉस करते हैं उसके बाद वो 100 बनाते हैं, तो ये आज उनका 22वां शतक था पाकिस्तान के खिलाफ। जैसा कि कल शोएब अख्तर कह रहे थे जब हम शाम को वहाँ पर बातें कर रहे थे कि विराट कोहली जो मर्जी करे लेकिन 22वां शतक पाकिस्तान के खिलाफ ना बनाए, तो शायद ये विराट कोहली ने सुन ली और पाकिस्तान के खिलाफ ये शतक बना दिया। पर ये एक युवा खिलाड़ी हैं वीरू, माना गया हमेशा ये बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर हैं, कभी कभी उनको अपने अग्रेशन को काबू में डालना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स को बिल्ड किया इन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई। जी हाँ बिल्कुल, ये उनकी खासियत है कि पहले वो 50 रन अपने 60-70 बॉल में बनाते हैं और फिर बाद में वो तेज़ बल्लेबाजी कर उसको बॉलों को कवर कर लेते हैं। और आज भी उन्होंने 107 रन 120-122 बॉल में बनाए, जो कि बहुत एक बेहतरीन वनडे पारी कहा जा सकता है किसी भी नज़रिए से अगर आप उसको देखें। तो ये खासियत है विराट कोहली की, जब भी वो 50-60 क्रॉस करते हैं उसके बाद वो शतक बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एंड तक खेलें, और उनकी बदौलत सुरेश रैना को काफ़ी फ्रीडम मिला जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। यशपाल जी, आप क्या कहेंगे विराट के इस परफॉर्मेंस के बारे में, और दो अच्छे खासे पार्टनरशिप भी उन्होंने बिल्ड किए अपने पारी के दौरान? देखिए, खिलाड़ी तो बहुत आए भारत के लिए खेले लेकिन अगर आप खास करके सचिन और सहवाग के बाद बात करें कि इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत लेना और इतनी ख्याति प्राप्त करना, ये मुझे लगा ये विराट कोहली का कमाल है। जिस तरह से आज जो शतक लगाया है ये कमाल है। ये इस मैच को मत देखिए, आप पिछले 2-3 साल से इस खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो देखिए, और हाल ही में जो श्रृंखला हुई है सभी जूझ रहे थे परफॉर्मेंस से, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से इसने एक के बाद एक शतक लगाया, ये दिखाते हुए कि वो जो प्रतिभा है इस खिलाड़ी में वो सर चढ़ बोलेगी, और आज उसका वो जो दिखा है सबको कि वो खास करके पाकिस्तान के खिलाफ जो शतक लगाया विराट कोहली। ये हमारे पहले हीरो हैं इस मैच के, लेकिन 5 और हीरो हैं और उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। फिर बने चैंपियन में
आप सबका एक बार फिर स्वागत है यहाँ इंडिया टीवी के स्टेडियम में। जोश जुनून पार्टी सेलिब्रेशन जारी है और जारी रहेगा। इस ऐतिहासिक जीत के हम इंडियन हीरोज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अभी हमारी बात हुई विराट कोहली के बारे में, अब हम बात करेंगे सुरेश रैना के बारे में। हिज इनिंग्स वीरू, सुरेश रैना के इनिंग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? ही प्लेड विद अ लॉट ऑफ हार्ट, बिल्कुल दिल से खेले वो। जी बिल्कुल, और एक ऐसी इनिंग की जरूरत थी जिस मौके पर वो बल्लेबाजी करना है। एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था विराट कोहली और शिखर धवन ने, उनकी जो पार्टनरशिप हुई बेहतरीन, उसके बाद एक फ्रीडम मिला उन्हें और MS ने उन्हें ऊपर भेजा चार नंबर बैटिंग करने के लिए। बट जिस तरीके से उन्होंने शॉट लगाए, जिस तरीके से उन्होंने अपने 70 रन बनाए, एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद वो विराट कोहली से पहले 100 ना बना लें। तो काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी की इन्होंने, जिसकी बदौलत हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर पाए, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की सुरेश रैना ने आज। और कहते हैं कि सुरेश रैना शॉर्ट बॉल अच्छी तरह से खेलते नहीं, लेकिन आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में वो पहले भी खेलते थे, पहले भी बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। वो सिर्फ वो जो शॉर्ट पिच बॉल की बात कही जाती है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए कही जाती है उनके लिए, बट मेरे ख्याल से वो एक अच्छे वनडे खिलाड़ी हैं और वो वनडे में किसी भी टीम में डिजर्व करते हैं खेलने के लिए। और जिस तरीके से आज उनका प्रदर्शन रहा है, एक बार उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन पिछले साल वर्ल्ड कप में, पिछली बार 2011 में जब हुआ था, तो 36 रन बनाए थे मोहाली में और उनकी बदौलत हम लोग 260 का आंकड़ा पार कर पाए थे, और आज उन्हीं की बदौलत हम 300 का आंकड़ा पार कर पाए। हाँ, वही मैं आपसे पूछने वाली थी, आज अगर रैना नहीं होते तो शायद हम 300 रन तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि रफ्तार तो उन्होंने बढ़ाई थी। हाँ देखिए, ये कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर नहीं होते तो हम नहीं खेल पाते, लेकिन आज भी उनके बगैर खेले हैं और जीते हैं। तो अगर सुरेश रैना नहीं होते तो कोई और आते, शायद MS चार नंबर आते और वो उनका रोल अदा करते, क्योंकि आज मुकाम सेट था, प्लेटफॉर्म सेट था सबके लिए। क्योंकि जो ओपनिंग पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे, वो विराट कोहली और शिखर धवन की जो पहले विकेट की पार्टनरशिप हुई दूसरे विकेट के लिए, वो इतनी बेहतरीन थी कि जो भी खिलाड़ी आता उसे एक फ्रीडम था अपने शॉट्स खेलने का और तेज़ी से रन बनाने का। वीरू, अभी मंदिरा बात करी थी शॉर्ट बॉल की, आपको और जस जी को, चेतन को भी बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली एडिलेड से कि इस बार, क्योंकि खास तौर पर वो मोहम्मद इरफान जो 7'1" के उनके जायंट हैं, उनको टैकल करने के लिए बॉलिंग मशीन को दो ऊंचे ऊंचे फट्टों के ऊपर रखकर और वहां से गेंद करवा के ऐसी प्रैक्टिस की थी टीम इंडिया ने। आपको लग रहा है ये फट्टे ऐसे काम आए कि चक दे फट्टे पाकिस्तान का ही हो गया? नहीं, वो कि अब आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जब मलिंगा नए नए आए थे तो सब लोग साइड आर्म से बॉलिंग करते थे मलिंगा की प्रैक्टिस करने के लिए, यूज़ टू होने के लिए। तो उसी प्रकार से वो इरफान खान की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है 7 फीट, और जो भी हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ में, चाहे वो संजय बांगर हो चाहे वो श्रीधर हो, वो छोटी हाइट के हैं, तो इसलिए वो दो फट्टे लगाए गए ताकि हाइट बढ़े और वो इरफान खान की बॉलिंग के लिए प्रैक्टिस कर सके, उनके एक्शन की प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि जब सब एक हाइट के होते हैं तो आप एक लेवल तक देखकर बैटिंग करते हैं, सडनली कोई टॉल बॉलर आता है या बड़ा बॉलर आता है तो उसके लिए आपको नज़रें ऊपर करनी पड़ती हैं और उसका यूज़ टू होना पड़ता है। तो आई थिंक वो काम बेहतर किया है हमारे इंडियन स्पोर्ट्स स्टाफ में, तो उनकी भी तारीफ़ की जाए जितनी उतनी कम है। क्योंकि मैं भी वो क्लिप देख रहा था, संजय बांगर और श्रीधर दोनों उन फट्टों पर चढ़कर प्रैक्टिस करा रहे थे हमारे बल्लेबाजों को। वैसे आपने मोहम्मद इरफान के बाउंसर को देखा, वो बाउंसर जो सुरेश रैना के सर के ऊपर गया, ऐसा लगा कि सुरेश रैना शायद बहुत जल्दी पवेलियन चले जाएंगे। इट वाज अ वेरी स्कैरी बॉल। नहीं, ऐसा होता है ज़रूर, और ये बहुत अच्छी बात है कि वनडे क्रिकेट में दो बाउंसर्स अलाउड हैं, तो अदरवाइज बैट्समैन का राज होता है वनडे क्रिकेट में, ऐसा कहते हैं, रूल भी सब बैट्समैन के फेवर के बनते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि दो बाउंसर हैं तो बॉलर भी दो बाउंसर यूज़ कर सकता है, और बैट्समैन को भी हमेशा डर लगा रहता है कि शायद इस पहले बाउंसर के बाद दूसरा भी बाउंसर आ सकता है, लेकिन वो आपको चार्जअप भी करता है वो बाउंसर, जब आपके सर के ऊपर से जाता है तो आप में एक अलग जोश आ जाता है, तो फिर आपका जो थोड़ा बहुत डर भी होता है वो निकल जाता है कि अब आप तैयार हैं उन गेंदबाजों को खेलने के लिए, वो तेज़ गेंदबाज या बाउंसर गेंदबाजी को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीरू, कल के शो में हम बात इरफान के ऊपर बात कर रहे थे कि इरफान को आधी विकेट ही नज़र आती होगी, 7 फुट से आधी विकेट ही उनको नज़र आती होगी। आज तो वो हालत उनकी की है, मुझे लग रहा है आधी भी नहीं नज़र आ रही थी आज उनको, जिस तरह की बैटिंग की है भारतीय बैट्समैन ने।
आई थिंक मुझे लगता है कि वो भी ऐसी कुछ प्लानिंग करके आए थे कि इन बैट्समैनों को यहाँ पर बॉल डालेंगे, आगे नहीं फेंकेंगे, शॉर्ट पिच रखेंगे, बैक ऑफ लेंथ बॉल डालेंगे, और अपनी प्लानिंग के साथ आए थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने एक बार ये कहा था कि उनके वीडियोज़ लोग देखते हैं, दूसरी टीम देखती है, प्लानिंग करते हैं, लेकिन मैं भी उनके वीडियोज़ देखता हूँ और मैं भी अपनी प्लानिंग करता हूँ। तो आप अपनी प्लानिंग में कितने कामयाब होते हो, आपका गेम प्लान क्या है, वो मैटर करता है। दूसरे गेंदबाज क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता है। तो आई थिंक ये भारतीय टीम ने दिखाया है कि जो उनका गेम प्लान था वो सही था बजाय पाकिस्तान के गेम प्लान के। लेकिन चेतन भाई, फिर भी नहीं हम समझ पा रहे कि एक तो आदमी 7 फुट का, ऊपर से उसका हाथ ऊपर से बॉलिंग करेगा, आपके इनके बारे में कहते हैं पॉकेट साइज डायनमो। कभी आप जाएंगे विजडन क्रिकेट में तो इनकी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है, भारत के सबसे तेज गेंदबाज रहे थे अपने जमाने के। अब आप ये पकड़ो हाथ में, अब बताओ इस 7.5 फुट कितना होता होगा जहाँ से वो बॉल गिरती होगी। मतलब कम से कम 14 फुट से गेंद आता होगा, मतलब ये तो वीरू बता सकता है। मतलब लिटरली अगर मैं वीरू कहीं जाकर बैटिंग कर लेता, मतलब मेरी बैटिंग छोड़ो, मैं वीरेंद्र सहवाग से क्या बात कर रहा हूँ, तो मुझे डेफिनेटली स्पॉन्डिलाइटिस तो हो जाता ऊपर देखते देखते, कि गर्दन तो ख़त्म ही हो जाती। यहाँ पर सुरेश रैना के बहुत फैंस बैठे बैठे हो ना, वीरू सुरेश रैना के फैन बहुत ज़्यादा है, मैं तो अपनी गर्दन की बात कर रहा हूँ। आज सुरेश रैना का जैसे मंदिरा ने आज बात की, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बाउंसर्स को मतलब छोड़ा है, जिस तरह एक दिवसीय मैचेस में करना चाहिए था, क्या बढ़िया पारी खेली है। लेकिन इतना आसान नहीं है 14 फुट को, 14 फुट से अगर बॉल आए, मतलब कमाल है। वीरेंद्र सहवाग ने क्या पॉइंट के ऊपर छक्के मारे होंगे, दाग देते हैं वीरेंद्र सहवाग आपकी। अभी थोड़े समय के लिए मोहम्मद इरफान की बात हमने ना करते हुए सुरेश रैना के इस इनिंग्स के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं यशपाल सर। स्पेशली जब कोई उम्मीद नहीं थी, ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिखर धवन फायर करें, रोहित शर्मा फायर करें, और सुरेश रैना ने एक ऐसी इनिंग्स हम सबको दिखाई और उससे एंटरटेन भी करवाया। मंदिरा, आप किसी भी खिलाड़ी से बात करें, वो जो कहे, लेकिन दबाव भी आता है और एक चुनौती होती है जब लंबे कद का तेज गेंदबाज, आप डेनिस लिली की बात करें, हमारे समय में 80 के दशक में जो गार्नर लगभग इसी हाइट के थे, तो कहा यह जाता है कि जब आपकी आंखों से ऊपर से, आईब्रो से ऊपर से जब वो एक्शन आता है, उसको देखने के लिए आपको खुद ही एडजस्ट करना होता है कि उसको कैसे खेलना है, क्योंकि यॉर्कर भी आएगा गति के साथ, वो रफ्तार जो आती है तो कभी कभी आपके पैर नहीं चलते। तो ये खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे क्रीज के जाकर खेले उसको या पीछे आकर खेले, तो उसी समय फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, उसमें तो एक सेकेंड का समय भी नहीं लगता, तो वो अपने आप को एडजस्ट करना है। तो जिस तरह से सुरेश रैना ने एडजस्ट किया है, मैं दाद दूंगा, क्योंकि एक ऐसा मैच विनर है भारतीय टीम में मध्य क्रम में, कि जब भी संकट टीम में आता है और बड़े मैच में सुरेश रैना अपना काम कर जाते हैं, और आज ही किया पाकिस्तान के खिलाफ सुरेश रैना ने। वैसे एक और बैट्समैन है जिन्होंने अपना काम किया और बखूबी काम किया, और वो हैं वीरेंद्र सहवाग के फेवरेट शिखर धवन। कल बहुत सारी बातें हुई शिखर धवन के बारे में, और वो हमारे तीसरे हीरो इस मैच के। उनकी पारी बहुत ही ज़बरदस्त थी, 73 रन्स, और उन्होंने बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया था विराट कोहली के साथ। वीरू जी, बिल्कुल जैसा मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड कप शिखर धवन अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि आदमी के जब इतने मैचेस, इतनी इनिंग्स ख़राब होती हैं, तो वो अंदर ही अंदर चार्ज अप होता रहता है कि मुझे अब बड़े स्कोर बनाने हैं, मुझे अब स्कोर बनाने हैं। और जिस दिन वो 30 या 40 का आंकड़ा पार करता है, उस दिन वो बड़े स्कोर बनाने के लिए तैयार रहता है। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, अगर वो खेलते रहते तो विराट और शिखर दोनों एक साथ 100 बनाते तो शायद हम लोग 301 से भी ज़्यादा रन बना सकते थे। लेकिन क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसी उन्होंने शुरुआत दी, जिस तरीके से, जिस सूझबूझ से आज उन्होंने बैटिंग की, अगर आने वाले मैचेस में भी वैसे ही करते रहे तो वो और काफ़ी रन बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत है, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सेट हो जाते हो तो बैटिंग करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, रन बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बॉल बैट पर अच्छा आता है, तेज आता है, और आउटफील्ड बहुत फास्ट होती है, और आपको बाउंड्रीज मारने में आसानी होती है। वैसे जिस तरीके से वो जा रहे थे, जिस रफ्तार से वो जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी सेंचुरी ही मारने वाले थे, लेकिन वो थोड़े अनलकी थे। वो जो कॉल था जिससे वो आउट हुए, वो रन आउट जो हुआ था, वो उनका कॉल नहीं था, वो विराट कोहली का कॉल था जी। कह सकते हैं कहीं ना कहीं विराट कोहली की गलती थी, उसका भुगताना शिखर धवन ने किया, बट ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा था कि मेरे से भी गलती हुई थी वर्ल्ड कप में 2011 में, मैंने सचिन तेंदुलकर को रन आउट कराया था, वैसे ही विराट से भी ये गलती हो गई।
तो लेकिन अब अगले मैचों में गलती ना दोहराई जाए तो अच्छी बात होगी भारतीय टीम के लिए। वीरू अगले मैचों की बात छोड़िए, आज धमाल किया नहीं किया टीम ने? जी बिल्कुल, मेरी टीम ने क्या, आपकी टीम ने, सबकी टीम, भारतीय टीम ने धमाल किया है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे कि 2 महीने से अच्छा नहीं खेल रहे हैं वीरू, और आज उन्होंने दिखा दिया कि वो वर्ल्ड कप की शुरुआत जैसे की है उन्होंने। वैसे वीरू आप शिखर को बहुत करीब से जानते हैं, वो भी दिल्ली के हैं, आप भी दिल्ली के हैं, तो आप खेल भी चुके हैं डोमेस्टिक लेवल पर, ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर चुके हैं, तो आप उनके बारे में कुछ ऐसे पते की बात बताइए जो हमारे हमारे दर्शक नहीं जानते, कुछ अंदर की बात। आई थिंक बड़े खुश मिजाज हैं शिखर धवन, बड़े खुश रहते हैं, मजाक बहुत करते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, और जब वो आउट होकर आते हैं तो थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद नॉर्मल जल्दी हो जाते हैं, कोशिश पूरी करते हैं रन बनाने की जब भी वो जाएँ, मूँछों में ताव देते रहते हैं हमेशा जब भी उन्हें देखो, और आजकल बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी फैमिली में एक और एडिशन हुआ है, उनको बेटा हुआ है, काफ़ी अच्छी किस्मत लेकर आया है उनके लिए और उनके परिवार के लिए, तो मैं उनको और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, काफ़ी अच्छा खेले शिखर धवन। जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले आखिरी सवाल, आप उन्हें गब्बर कह के बुलाते हैं, ये राइट है, सही बात है मूँछों की वजह से? जी हाँ, मतलब मैं, क्योंकि जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बिजी था, तो ये नाम कैसे पड़ा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जितना मैंने सुना इधर उधर से, वो कहते हैं कि उनकी मूँछों की वजह से उन्हें गब्बर कहा जाता है, या उन कोई कहता है कि उनका स्टाइल ऐसा है गब्बर वाला कि एकदम सब पे राज करते हैं वो ड्रेसिंग रूम में, तो इसलिए उन्हें गब्बर कहा जाता है, बट ये निकनेम्स हैं, कैसे पड़ जाते हैं कोई नहीं जानता, तो शायद इसका जवाब शिखर बेहतर दे सकते हैं। वैसे गब्बर हैं गब्बर थे हमारे तीसरे हीरो, हम अपने चौथे हीरो के बारे में हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज वर्ल्ड कप की कवरेज यहीं पे देखिए, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे साथ नहीं देखा तो क्या देखा। आज के दिन एडिलेड ओवल कचाकच भरा हुआ था इंडियन और पाकिस्तानी फैंस के साथ, लेकिन इंडिया टीवी का स्टेडियम कुछ कम है। जी नहीं, कचाकच भरा हुआ है उत्साहित इंडियन फैंस के साथ। चलिए देखते हैं कि हमारे इंडियन फैंस क्या कहना चाहते हैं इस ऐतिहासिक जीत के बारे में। मजा आया आज मैच में कि नहीं, बताओ। इस जीत के बारे में सबसे अच्छी बात क्या थी? पाकिस्तान वालों, तुम कितना ही दम लगा लो, यू अनुष्का का बल्ला यू ही मारेगा 100 रन का शतक। अब बताइए, अब ये बात बताइए कि ये मैच हम जीत गए, आपको लगता है हम विश्व कप जीत सकते हैं कि नहीं? अभी एक ही मैच जीता है, आगे अगला मैच बहुत टफ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, जीतेंगे। आगे पूछते हैं। अच्छा, आज किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी? और ओवरऑल टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत शानदार लगा, और हम सारे मैच जीतेंगे इसी तरीके से। जय हिंद जय भारत। अच्छा, कोई अच्छा सवाल पूछना चाहता है सहवाग से तो पूछे, हाथ ऊपर कीजिए। वीरेंद्र सहवाग से कोई सवाल हो आपके पास? हाँ सर, मुझे आपसे ये पूछना है सर, जैसे आज हमने देखा रविंद्र जडेजा की जगह अगर युवराज सिंह इस जगह टीम में होते तो सर रविंद्र जडेजा से मेरे अकॉर्डिंग बेटर परफॉर्मेंस करते युवराज सिंह, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर जो है हम उसकी बात करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, क्योंकि अब युवराज सिंह वहाँ जा नहीं सकते और जडेजा वापस आ नहीं सकते, तो वो खेलेंगे तो बेहतर है कि हम उनका मनोबल बढ़ाएँ, जडेजा का कॉन्फिडेंस बढ़ाएँ, और अच्छा होता, मैं खुश होता अगर वो वहाँ होते ज़रूर, तो लेकिन अब है नहीं, तो बेहतर है कि हम लोग इसी इंडियन टीम के बारे में बात करें, इसी को सपोर्ट करें, इसी को अपना प्यार दें और उम्मीद रखें कि यही टीम हमारे लिए वर्ल्ड कप वापस लेके आएगी। चलिए यहाँ से और कोई सवाल है? अब तक जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे,
सर मेरा सवाल थोड़ा पर्सनल है तो बहुत पर्सनल सवाल नहीं है सर। सर जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से हमें खेलना पड़ता है, तो बहुत से ऐसे क्रिकेटर हुए जिन्होंने पहले वो तेज खेलते थे परंतु सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला, जैसे केविन पीटरसन रहे, आजकल शाहिद अफरीदी जी भी थोड़ा रुक कर खेलने लगे हैं और ना जाने कितने, परंतु आपका जो खेल था आपने कभी उसे परिवर्तित नहीं किया जिस कारणवश शायद आज हम आपको नहीं देख पा रहे हैं टीम इंडिया में, और मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा सर। धन्यवाद। देखिए हर एक की एक शैली होती है खेलने की, शायद मेरी शैली आक्रामक शैली थी, अगर मैं वो छोड़कर खेलता तो ज़्यादा रन बना नहीं पाता और आप लोगों का इतना प्यार पा नहीं पाता, तो मेरे लिए जो सूट करता था मैंने वैसा खेला शायद, और जिन प्लेयरों के आपने नाम लिए उनको जो सूट करता है, क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे आदमी की बैटिंग चेंज होती रहती है, बल्लेबाजी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, तो ऐसा सबके साथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने भी चेंज नहीं की, थोड़ी बहुत मैंने भी कुछ चेंज किया अपनी बैटिंग में, लेकिन जो मेरी शैली थी अकरामा को वो मैंने कभी नहीं चेंज की। ठीक है चलिए, अभी अभी आपको और आगे बहुत मौका मिलेगा, अभी एक घंटे का और वक्त है सहवाग और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के पास, तो बहुत से सवाल होंगे, जनता के सवाल भी होंगे, ऑडियंस के सवाल भी होंगे और बंदिरा के सवाल तो होंगे ही होंगे, जैसे ये सुबह से हमको चढ़ा रही हैं आज शर्मा वन शर्मा टू शर्मा थ्री, तो बंदिरा बेदी जी के बहुत सारे सवाल होने वाले हैं सहवाग जी से भी, एक ब्रेक के बाद।